हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम दमन में हैं और यहाँ बालकनी में खड़े होकर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हेलीपैड भी है जो कि समय समय पर हेलीकॉप्टर का नज़ारा देखने को मिलता है। यही एक काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जानते हैं शराब वराब काफ़ी सस्ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो काम करने का एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया तो नहीं था। यहाँ पर काम कराने वाले जो हैं उनका सिस्टम में कुछ पसंद नहीं आया। डाटा रिकवर करने में काफ़ी समय लग रहा है। ये देखिए, ये कैलाश भाई डाटा रिकवर कर रहे हैं, ये आशीष भाई है, ये विनय है, ये हैं। सभी लोग डाटा रिकवर करने में लगे हुए हैं, हमको पल्ले नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं वापी, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर बालकनी देख सकते हैं, जो अभी हम आए थे शुरुआत में, ये बिल्डिंग दिखाए थे आप सभी को। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ से अभी निकल रहे हैं, चलिए आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। इसके साथ आपको यहाँ भी सुना देते हैं, थोड़ा सा आप आवाज़ ध्यान सुनिए। एक्सेल इधर आ रहा है, डाटा उधर जा रहा है, ये सब चल रहा है। डाटा रिकवर होता रहता है या अप्लाई कर रहे हैं, एक बार ऑफलाइन फिर एक बार ऑनलाइन। इसी में बाद में क्या होता है कि रिटर्न आ रहा है कि ये स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं अपलोड है, इसमें वो नहीं अपलोड है। अब आदमी 8-10 घंटे फील्ड में वर्क करेगा, आने के बाद फिर से 3-4 घंटे यहाँ पर काम करेगा, उसके बाद भी रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो कितना होगा। इससे बेहतर है कि आप कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए, कंपनी पकड़ लीजिए, तो बेहतर है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे कैलाश भाई हैं, ये कैलाश भाई हमारे हैं जो प्रतापगढ़ से। आप कुछ कहेंगे, इस तरीके से कंपनी आपसे काम ले रही है, उस पर आप क्या, आपका क्या विचार है? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हमारी जवाब दीजिए। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, रुकिए, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं कंपनी को, कैलाश पूछो जाना, कैलाश 296 आईडी बाप होगा, ठीक बा। जैसे पूरा हमारा आईडी टोटल आईडी उससे ज्यादा बा हमार, तो 296 एक्सेल भेजे हम। अब एमएस जब सही करब, हम सही कह देब, और जो हमारा बाकी बाटे फिर वो हम घर जाब तब करब ओका भेजी। हां, कहीं पेमेंट नहीं 296 आईडी के लिए, कि वही पैसा मिलेगा पहले गलत लगे, फोन लगा एक बात करना, पूरा एकदम क्लियर लगा एक बात। तो यार 296 आईडी छोड़ के मार पूरा। हाँ, तो सचिन भाई, इस तरीके से काम करके आपको क्या एक्सपीरियंस है? अरे क्या एक्सपीरियंस है, रुका था पहले गौरव। कैलाश भाई आप क्या कहेंगे? घंटा। आशीष भाई आप क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब, क्या है कि यहाँ का सिस्टम सबसे खराब है। मिने, यहाँ के वर्कर भी कभी सुपरवाइजर बन जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं, कोई मतलब क्या कहूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए यहाँ का एक्सपीरियंस किस तरीके से। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापी के लिए, वापी पहुंचने बाद देखते हैं वहाँ पर क्या कोई जॉब की व्यवस्था मिलती है कि नहीं, ठीक है, चलिए। और दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को कुछ नया दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर समुद्री इलाका है जो कि दमन उधर है, वहाँ पर करीब यहाँ से बहुत होगा 700-800 मीटर होगा उधर। और यहाँ पर देख सकते हैं नारियल के कितने ज़्यादा पेड़ हैं, जैसे कि अपने यहाँ फूल वगैरह का डेकोरेशन पेड़ लगाया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये नारियल लगा हुआ है यहाँ पर, और ये वाले जो है इमली का पेड़ है, ये देखिए यहाँ पर इमली लगी हुई है। और यहाँ पर आपको नया कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए ये किस चीज़ का पेड़ है, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फली लगी हुई है, ये देखिए ये बादाम का पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ये देखिए यहाँ पर भी एक पेड़ है बादाम का, और वहाँ पर देखिए कुछ नारियल या फिर कुछ डेकोरेटिव प्लांट है। फिलहाल इसके बारे में हमें नहीं मालूम, शायद ये नारियल का ही पेड़ होगा, लेकिन हाँ नारियल का ही पेड़ है। बाकी यहाँ की बिल्डिंगें देख सकते हैं किस तरीके से है, ठीक। यहाँ पर जहाज़ जो है करीब हर आधे घंटे पर आती रहती हैं, जो कि यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है बगल में ही। और अभी हम लोग जिस रूम में रह रहे हैं, ये देखिए ये रूम है, इस रूम का किराया अगर वैसे लेंगे तो 10,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन ये हम लोगों को मैप माई इंडिया कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। बस यहाँ पर यही व्यवस्था बढ़िया है। Thank you.
ये देखिए लिफ्ट की भी व्यवस्था यहाँ पर है। अभी नीचे चल रहे हैं तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से निकलने के लिए आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 20 से 25 रुपए लगेगा। और वहाँ पर जब आप वापी बस स्टेशन उतरेंगे तो शीरी जाने के लिए आपको पैदल चलना होगा, वहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी। फिलहाल आप पर देखते हैं, बस मिलेगी तो बस लेंगे, नहीं तो हम इको का सहारा लेकर चलेंगे। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये है इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, ये जिसकी गैस वगैरह है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं, ये है यहाँ का बस स्टेशन। फिलहाल बस नहीं दिख रही, इको का सहारा लेंगे। हेलो नाम मुझे सलाम क्यों आईने मत वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, जो कि 20 मिनट भी नहीं लगा और यहाँ पर जल्दी से पहुंच गए। अब छीरी जाने के लिए इसके दूसरे साइड में यानी कि प्लेटफार्म नंबर 3 की तरफ आकर के हम छीरी के पास जा सकते हैं, जो कि इस तरीके से ओवर ब्रिज से होकर जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पर पहुँच गए, अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी लेते हैं, चलते हैं छीरी जहाँ पर चाचा का रूम है। ठीक है, हम छीरी पहुंच गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं आगे, यहाँ पर चाचा का रूम है। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नहर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। देखिए इस नहर के दूसरे साइड सब कंपनियाँ ही कंपनियाँ हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ समय रुकने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चाचा का फ्लैट है वो इसी वाले में है, तो यहाँ से होकर जाना होगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम फ्लाइट के नीचे पहुँच गए हैं, ये देखिए यहाँ का पार्किंग एरिया है। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पर अंधेरा है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं चाचा के रूम पर, फ्लैट पर। अब आगे का क्या प्लान होता है वो आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि आप यहाँ बालकनी से देखते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ये देख सकते हैं वहाँ पर नहर है और लोग कुछ इस तरीके से आते जा रहे हैं।